गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमें आपको पेज नंबर 4, 5, 6 ये आपके सिलेबस में नहीं है, उसके बाद पेज नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बताएंगे रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशनल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए कौन कौन से प्रोफेशंस इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। सबसे पहला काम है स्कूल काउंसलर्स। स्कूल काउंसलर्स, ए सोशल काउंसलर इज ए मेंबर ऑफ द एजुकेशन। ये स्कूल काउंसलर होता है, एक मेंबर होता है एजुकेशन का, एजुकेशन टीम का, हु प्रोवाइड्स वैल्यूबल असिस्टेंस टू स्टूडेंट्स, जो हमें उपलब्ध कराता है असिस्टेंट, एक सहायक के रूप में स्टूडेंट के, विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, विद स्पेशल नीड्स। ही also helps them with their academic goals। वह उनकी मदद करता है, सहायता करता है academic goals को प्राप्त करने में। their socials, वह सामाजिक होता है, their socials, personals and career development, वह social, सामाजिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, एंड कैरियर डेवलपमेंट, और उनके कैरियर को डेवलप करता है। ही हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स, वह सभी स्टूडेंट्स की मदद करता है, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, जिसमें स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जो होते हैं उनकी विशेष रूप से वो हेल्प करता है, मदद करता है, टू अचीव, प्राप्त करने के लिए उपलब्धियाँ, देयर फुल पोटेंशियल, पूरे अपने ताकत के साथ, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, एंड टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, और एक उत्पादन, बिकम प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी के रूप में। नंबर टू, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट का भी काफ़ी अच्छा रोल रहता है इसके अंदर, CWSN के। द रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इज टू असिस्ट एंड मैनेज चिल्ड्रन। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो मैनेज करता है, सहायता करता है बच्चों की, एंड यंग पर्सन्स, और जवान व्यक्तियों की, विद मूवमेंट्स डिसऑर्डर, जो मूवमेंट नहीं कर सकते, डिसेबिलिटी, जिनके अंदर डिसेबिलिटी है। द एम ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट इज टू हेल्प, मुख्य जो कार्य है, एम है फिजियोथेरेपिस्ट का, टू हेल्प द चिल्ड्रन, बच्चों की सहायता करना, विद स्पेशल नीड्स, जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, टू देयर फुल पोटेंशियल, पूरे पोटेंशियल के साथ में, थ्रू प्रोवाइडिंग फिजिकल कंसेंट, फिजिकल इंटरवेंशंस, एडवाइस एंड सपोर्ट, पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करेगा, एडवाइस देगा, और पूरी फिजिकल एक्टिविटी जो होती है उनको कराएगा। ए फिजियोथेरेपिस्ट कंसंट्रेट्स इन पर्टिकुलर ऑन प्रॉब्लम्स। एक जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो कंसंट्रेट करता है इन पर्टिकुलर विशेष बच्चे पर, ऑन प्रॉब्लम्स, उसकी प्रॉब्लम्स पर, डैट अफेक्ट मसल्स, जो प्रभावित करती है मसल्स को, बोन्स को, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, एंड लंग्स, और उसके लंग्स को। फिजियोथेरेपिस्ट यूज ए रेंज ऑफ टेक्निक्स इंक्लूडिंग मसाज। फिजियोथेरेपिस्ट एक टेक्निक की रेंज, पूरी रेंज को यूज करता है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होते हैं मसाज, मैनिपुलेशंस, एक्सरसाइज एंड मूवमेंट एंड हाइड्रोथेरेपी। इन सभी टेक्निक को एक फिजियोथेरेपिस्ट यूज करता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चों के लिए। नंबर थ्री, फिजिकल एजुकेशन टीचर। एक फिजिकल एजुकेशन टीचर का क्या रोल होता है CWSN बच्चों के लिए। फिजिकल एजुकेशन टीचर हेल्प स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, मदद करता है, एक सहायता करता है, नीड्स टू इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस, उनकी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करता है। दे हेल्प इन इम्प्रूविंग हैंड आई कोऑर्डिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी। फिजिकल एजुकेशन टीचर आल्सो प्रोवाइड्स, उपलब्ध कराता है सच फिजिकल एक्टिविटीज, उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं उनके लिए फिजिकल एक्टिविटीज को वो प्रोवाइड कराता है, विच
मे हेल्प इन रिड्यूसिंग एंग्जाइटी, जो उनकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है, स्ट्रेस को दूर करता है, टेंशन को दूर करता है एंड डिप्रेशन और डिप्रेशन को दूर करता है। दे ऑर्गेनाइज वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज, वह उसके लिए उनके लिए बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करता है फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल चिल्ड्रन स्पेशल नीड्स, जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं उनके लिए सभी प्रकार की एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करता है इन ऑर्डर प्रमोट देयर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, उनकी मानसिक और उनकी शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार। फॉर स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट जो आपकी आवाज़ को, आपके बातचीत के करने के ढंग को ठीक करता है। ए स्पीच थेरेपिस्ट इन स्कूल प्रोवाइड्स ट्रीटमेंट, एक स्पीच थेरेपिस्ट जो होता है स्कूल को प्रोवाइड्स कराता है ट्रीटमेंट, इलाज कराता है, सपोर्ट एंड केयर फॉर स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, उनको सपोर्ट करता है जो बच्चे विद स्पेशल नीड्स वाले होते हैं। हु हैव डिफ़िकल्टीज इन कम्युनिकेशन, जो बच्चे महसूस करते हैं बात करने में, कम्युनिकेशन करने में, स्पीच थेरेपिस्ट हेल्प, स्पीच थेरेपिस्ट मदद करता है स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, ऐसे बच्चों की जो बच्चे स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, टू गेन एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू कम्युनिकेटिव, उनको कम्युनिकेटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है थ्रू स्पीच एंड लैंग्वेज, भाषा के द्वारा और भाषण के द्वारा। दे आल्सो हेल्प सच स्टूडेंट्स, यह बच्चों की मदद करता है स्टूडेंट्स हु हैव फ्लुएंसी डिसऑर्डर, जिनकी फ्लुएंसी नहीं है बोलने की, डिसऑर्डर लाइक स्टॉपेज बार बीच बीच में रुकना, रेपिटेशंस बार बार एक चीज़ को दोहराना एक्सेट्रा, इन सभी चीज़ों को स्पीच थेरेपिस्ट दूर कर देता है। नंबर 5 सोशल एडुकेटर, स्पेशल एडुकेटर, ए स्पेशल एडुकेटर ऑफन हैज़ स्टूडेंट्स विद वेरिंग लर्निंग मेंटल फिजिकल एंड इमोशनल एबिलिटीज़, एक स्पेशल एडुकेटर जो होता है प्राय हैज़ स्टूडेंट्स विद वेरिंग, विभिन्न प्रकार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए रखा जाता है, जो उनको सिखाते हैं लर्निंग मेंटल फिजिकल एंड इमोशनली एबिलिटीज, जो उनकी ये सभी एबिलिटीज उनको वो ठीक करता है डेवलप करता है। दे मे असिस्ट स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, वो उनकी मदद करता है स्पेशल नीड्स बच्चों की इन द एरियाज ऑफ फिजिकल स्किल्स, जो उनके शारीरिक कौशल होते हैं, लर्निंग थ्रू प्ले खेल के द्वारा सीखना, कम्युनिकेशंस इम्प्रूविंग बात करने के में सुधार करना, उनके बोलने में सुधार करना, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स उनकी सामाजिक और इमोशनल जो स्किल्स होती हैं उनको ठीक करना। स्पेशल एडुकेटर्स मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पेशल एडुकेटर्स की, इज टू असिस्ट देयर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स की मदद करना, कॉग्निटिव एबिलिटी जो भी उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हेल्प चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इन परफॉर्मिंग सेल्फ केयर स्किल्स, सेल्फ केयर स्किल्स, कैसे अपने आप को ठीक रखना है इस स्किल्स में उनकी मदद करना, लाइक ईटिंग खाने में, ड्रेसिंग पहनने में, बाथिंग नहाने में एंड ग्रूमिंग घूमने में, ग्रूमिंग करने में उनकी मदद करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ही आल्सो हेल्प्स चिल्ड्रन इन पार्टिसिपेटिंग एंड इंटरेक्टिंग, वह मदद करता है बच्चों की पार्टिसिपेटिंग में एंड इंटरेक्टिंग विद अदर, दूसरे के साथ बात करने में, इंटरेक्ट करने में, इन प्ले खेलों में। ही हेल्प्स चिल्ड्रन इन अडेप्टिंग टू रेगुलर स्कूल, वह बच्चों की मदद करता है कि ताकि बच्चे प्रतिदिन स्कूल जाएं। स्पेशल ओलंपिक भारत वाज स्टार्टेड बाय यूनिस कैनेडी सिवर, स्पेशल ओलंपिक भारत जो स्टार्ट किया गया था यूनिस कैनेडी सिवर के द्वारा शुरू किया गया था। सी
बिलीव डैट, वह विश्वास करते डैट विद इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर अवसरों में, एंड एक्सपीरियंस एज एन वन एल्स पीपल विद इंटर एक्चुअल एक्सप्रेशंस, कोड इज कंप्लीट फॉर मोर देन एवर थ्रू पॉसिबल। वो ये कहते भी सभी इक्वल होने चाहिए, जो डिसेबल पर्सन हैं उन्हें भी बराबर मौके मिलने चाहिए। सी वाज कन्विंस्ड दैट चिल्ड्रन, वह बच्चों को कन्विंस करते थे, चिल्ड्रन विद स्पेस विद इन इंटरेक्चुअल, कि सभी बच्चे आपस में बात करें। डिसेबिलिटीज कुड नो कुड बी एक्सेप्शनल एथलीट्स, डिसेबिलिटी एक्सेप्शनल एथलीट्स। स्पेशल ओलंपिक भारत इज ए मूवमेंट, एक आंदोलन था, ए मूवमेंट डेट यूजेज स्पोर्ट्स एज ए कैटलिस्ट टू चेंज द लिव्स ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चों को चेंज करने का, एंड एडल्ट्स और वयस्कों को विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज रखते थे। इट वॉज फाउंडेड इन 1987 एज स्पेशल ओलंपिक, इंडिया के रूप में ये स्टार्ट हुआ, एंड चेंज टू स्पेशल ओलंपिक भारत, उसके बाद इसका नाम चेंज करके और स्पेशल ओलंपिक्स भारत इन 2001 में कर दिया गया। इट इज़ रेगनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है एज ए नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट के लिए स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी के, फॉर द पीपल लोगों के लिए, विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर्सन है। मिशन, मिशन क्या है इस स्पेशल ओलंपिक भारत का, इट इज मिशन इज टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसका मिशन है कि स्पोर्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, एंड ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज करना स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल, फॉर चिल्ड्रन बच्चों के लिए, एंड एडल्ट्स बड़ों के लिए, विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एबिलिटीज हैं, गिविंग देम परसिस्टेंट अपॉर्चुनिटी, उन्हें बराबर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना टू डेवलप फिजिकल फिटनेस, उनकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करने के लिए। विजन, इट इज ए मोमेंट विच इम्प्रूव द लिव्स ऑफ पीपल, लाइव्स ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, इट इज ए मोमेंट विच इम्प्रूव, जो है सुधार करता है, एक मूवमेंट है, एक आंदोलन है, द लिव्स ऑफ पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज से पीड़ित हैं, एंड इन टर्न द लिव्स ऑफ एवरी वन दे टच थ्रू स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, उनको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन से टच करना प्रत्येक साल, हर साल। ओथ, ओथ क्या है भाई, इसकी शपथ क्या है, लेट मी विन, मुझे जीतना है, बट इफ़ आई कैन नॉट विन, लेकिन मैं जीत नहीं सकता, लेट मी बी ब्रेव, मैं बहादुर हूँ, इन द अटेम्प्ट, मुझे कोशिश करनी चाहिए। गोल, इट्स गोल इज टू प्रोवाइड चांस टू डिफरेंट एबल्ड पर्सन, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो डिफरेंट एबल्ड जो पर्सन होते हैं उनको उनकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना, एंड ऑन देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट, उनका सर्वांगीण विकास करना। अचीवमेंट, स्पेशल ओलंपिक भारत हैज़ बीन ऑर्गेनाइज नेशनल गेम्स, स्पेशल ओलंपिक भारत जो होता है वो ऑर्गेनाइज कराता है नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल, इन वेरियस डिसिप्लिन, विभिन्न प्रकार के इवेंट्स के द्वारा। सिंस 2002 आई हैज ऑर्गेनाइज वेरियस टूर्नामेंट, बहुत सारे टूर्नामेंट कराए गए, एंड चैम्पियनशिप और चैम्पियनशिप सच एज नेशनल गेम्स नेशनल फुटबॉल, नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप एक्सेट्रा। कॉम्पिटिशन आर ऑर्गेनाइज एट लोकल, कॉम्पिटिशन जो ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल्स पर। बेनिफिट्स,
लाभ क्या है इसके, इट इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, ये हमारी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं, एंड मोटर स्किल्स, और हमारी मोटर स्किल्स को, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एंड पॉजिटिव सेल्फ इमेज, और हमारी पॉजिटिव सेल्फ इमेज बन जाती है, एंश्योर निश्चित करना, इंक्रीज फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट को बढ़ाना, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग, बिल्ड करना लीडरशिप क्वालिटी, प्रमोटिंग हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, ओप एथलीट्स एंड बिल्डिंग कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज को बिल्डअप करना, ये सभी स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा की जाती है।